डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्वेश्चन क्लास फोर्थ अब चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर दे दूंगा आज T2 का। तो आपका T2 सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट डू यू मीन बाय MSW लोगो। तो आपका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट वॉज डेवलप्ड टू टीच इन द बेसिस एंड लॉजिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू द चिल्ड्रन। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है चैप्टर नंबर 9 का। तो चैप्टर नंबर 9 का पहला का क्वेश्चन आंसर का पहला आंसर है, आपको रिपीट कर दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट वॉज डेवलप्ड टू टीच द बेसिस एंड लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू द चिल्ड्रन। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ इनपुट बॉक्स इन अ कॉमन विंडोज। तो आपका आंसर है दूसरा का, इन दिस बॉक्स वी टैप एंड कॉमन एंड एग्जीक्यूट देम बाय प्रेसिंग द इंटर की आर क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन्स। दूसरा का आंसर, इन दिस बुक्स वी टाइप इन कॉमन एंड एग्जीक्यूट देम बाय प्रेसिंग द इंटर की आर क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, राइट एनी टू लोगो प्रिमिटिव्स एंड देयर फंक्शंस। तो आपको दो ऑप्शन लिखना है प्रिमिटिव्स ऑफ लोगो का। तो आपका आंसर है, लोगो प्रिमिटिव्स रिप्रेजेंट द कमांड्स गिव टू द टर्टल थ्रू द इनपुट बॉक्स, द टू प्रिमिटिव फंक्शंस आर फॉरवर्ड कॉमन एंड बैकवर्ड कॉमन। तो आपका दो ऑप्शन हमने ऑलरेडी लिखा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, लोगो प्रिमिटिव रिप्रेजेंट द कॉमन्स गिव टू द टर्टल थ्रू द इनपुट बॉक्स, द टू प्रिमिटिव फंक्शंस आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉमन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट एन MS लोगो। किस तरह MS लोगो को आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है, यानी आपको स्टार्ट करना है। तो इसका आंसर है, देयर आर द फॉलोइंग द स्टेप्स टू स्टार्ट MSW लोगो। स्टेप नंबर पहला है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे जाना है। इसके बाद है दूसरा स्टेप से क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम में जाना है। इसके बाद है थर्ड स्टेप्स को आपको क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफ विंडोज लोगो। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आप निकालना चाहते हो आप MSW लोगो, तो इसके बाद आपका ओपन हो जाएगा आपका MSW लोगो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।